ये फेस वॉश आपकी छाइयां, सिद्धि दाग धब्बों को ख़त्म करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बनाता है। फेस वॉश तो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ये फेस वॉश आप अपने फेस वॉश से रिप्लेस कर दे तो जो भी साबुन आप इस्तेमाल करते हैं आपने उसे 10 दिन के लिए अवॉइड कर देना है। सिर्फ 10 दिन का चैलेंज दूंगी आपको, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ब्राइट और ग्लोइंग हो जाएगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन आपने वीडियो को इसके लिए सबसे पहले समझना है, देखना है और फिर सही तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा एक क्लीन बॉल। पहला इंग्रेडिएंट जो इसमें मैं शामिल करूंगी वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है चेहरे के ऊपर से डर्ट और पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए। समर में ये बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है चेहरे को ब्राइट और ग्लोइंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको मेक श्योर कर दूँ आपने पैकेट वाली मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपने किसी भी पंसार से गाची वाली मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है और उसे घर पर लाकर ब्लेंडर में डालकर या ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं लूँगी चावल का आटा। इसे भी आप अपने घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपने क्या करना है, थोड़े से चावल लेने हैं, इनका आपने अच्छे से जो है वो पाउडर बना लेना है। आपने बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा सा आपने इसे रखना है ताकि हमारा फेस वॉश जो है वो स्क्रबिंग भी हम इससे कर सकें। तो इसमें आपने 2 चम्मच शामिल कर देना है। साथ में मैं इसकी मिक्सिंग के लिए शामिल करूँगी रोज़ वाटर। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो मिक्सिंग के लिए हमने रोज़ वाटर का इस्तेमाल किया है अच्छी तरह से। जब तक ये एक अच्छा सा पेस्ट बन नहीं जाता आपने इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ग्लिसरीन। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी शामिल कर सकती हैं। अगर वो भी नहीं तो आप इसे स्किप कर दें। और यहाँ पर जी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है एलोवेरा जेल। ये मैं एलोवेरा जेल मार्केट वाला ले रही हूँ। आप इसमें फ्रेश बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि हमें इस फेस वॉश को स्टोर करके रखना है, वरना आपका फेस वॉश ख़राब हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी हनी। हनी हमारी स्किन को ग्लोइंग, सॉफ्ट, जेंटल और स्मूथ बनाएगा। इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून हनी शामिल कर देना है और अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। नेक्स्ट इसमें मैं शामिल कर दूंगी कोई सा भी आप फेस वॉश जो आप यूज़ करते हैं, कोई सा भी, ज़्यादा महंगा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप शामिल कर दें। अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग कर लेनी है, देन आपका ये ज़बरदस्त सा समर फेस वॉश घर पर ही बनकर तैयार है। इसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त है, एक बार आप इसे बनाकर ट्राई करें और फिर इसे अप्लाई करें। उम्मीद है कि आपको इसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त मिलेगा, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ब्राइट होगी, ग्लोइंग होगी। आपने इसे लगाना है और फिर आपने डेली इसी से वॉश करना है। हर वॉश के बाद आपने हल्का सा रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेना है और फिर आपने सनस्क्रीन भी अप्लाई करनी है। इस फेस वॉश के इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं, इसे कोई भी उम्र के लोग जो है वो लगा सकते हैं, इवन बच्चे भी इसे लगा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जी मेरा ज़बरदस्त सा फेस वॉश बनकर तैयार हो चुका है और इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है, स्मूथ हो गई है और बहुत ज़्यादा पहले ही वॉश में ब्राइट भी हो गई है। तो आप भी इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।